हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग में हर चीज़ में मिलावट आ गई है, ये मैंने अपने वीडियो में कई बार आप लोगों से शेयर की है। आज इसी बात का प्रमाण एवं किस प्रकार आज के भक्त भगवान की भक्ति को भी एक गंदा मजाक बनाकर रख दिए हैं और पकड़े जाने पर खुद को इनोसेंट बतलाते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात को पुख्ता तौर पर सत्य साबित करने के लिए आज का वीडियो आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। केदारनाथ का मंदिर, वो मंदिर जो चार धाम से एक धाम है, यानी केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग 11वें नंबर पर आता है। कहते हैं पांडवों को साक्षात भगवान शिव ने इसी मंदिर में दर्शन दिया था। केदारनाथ का मंदिर लगभग 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है, लेकिन जब बंद रहता है तब भी चमत्कारिक तौर पर केदारनाथ मंदिर के अंदर एक दिया हमेशा जलता रहता है। दिए की लौ 6 महीने तक किस प्रकार जलती है, कैसे उसमें तेल भरा रहता है, क्यों दिए की लौ पर वातावरण का कोई असर नहीं पड़ता जबकि बाहर पूरी तरह से बर्फ की चादर बिछी रहती है। कहीं ना कहीं मानना ही पड़ेगा कि भगवान शिव में वो ताकत है जो ताकत इस पृथ्वी पर शायद किसी और में नहीं, और इसी ताकत को आज भी लोग मानने के लिए नतमस्तक हो जाते हैं। लाखों की संख्या में जब केदारनाथ का द्वार खुलता है तो दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम हर कोई पहुंचना चाहता है, लेकिन नसीबवान पहुंच जाते हैं और जो लोग अनलकी होते हैं उन्हें आजीवन कभी भी दर्शन नहीं मिल पाता। कहते हैं भगवान जिन्हें बुलाते हैं वही केदारनाथ धाम में या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा पाते हैं। आज के मेरे वीडियो में थंबनेल में मैंने आपको जो थंबनेल शेयर किया है वो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह का है, जहाँ पर एक भक्त ने भगवान केदारनाथ के शिवलिंग के ऊपर 10 लाख रुपयों की वर्षा कर दी। नोट उड़ाते हुए ये वीडियो अचानक से जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पाया गया नोट उड़ाने वाली जो महिला थी वास्तव में उसका नाम निशा, वो वास्तव में एक किन्नर जिसने अपनी सफाई में कहा कि बाबा ने उसे आदेश दिया था, इसलिए उसने जीवन भर की जो भी कमाई थी वो बाबा को समर्पित कर दिया, उन्हें चढ़ा दिया। लेकिन चढ़ाने का ये कौन सा तरीका है मेरी समझ में नहीं आया। क्या इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर नोटों को उड़ाना क्या ये भक्ति है? क्या बाबा ने ऐसा ही आदेश दिया था कि मेरे गर्भगृह में आकर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरे मस्तक के ऊपर नोटों को उड़ा उड़ा कर अपनी भक्ति को तुम दर्शाओ? क्या ऐसा आदेश कभी भी मिल सकता है? या अपने आप को बचाने के लिए वो किन्नर कुछ इस तरह से हरकत की कि वो सबकी निगाहों में आ गई और अब अपने आप को बचाने के लिए बाबा भोलेनाथ के नाम का और उनके आदेश का सहारा ले रही है? क्या इसे आप भक्ति कहेंगे या इसे आप दिखावा कहेंगे? जब भक्ति होती है तब इस तरह से गुप्त रूप से भक्ति की जाती है और हम चढ़ावा भी जब चढ़ाते हैं तब ज़रूरत नहीं पड़ती वीडियो बनाने की, अपलोड करने की, और ना ही इस तरह से कर्म कांड करने की। भक्ति की लौ इस प्रकार जलनी चाहिए कि दाएं हाथ से आपने यदि कुछ दान भी दिया तो बाएं हाथ को कभी भी पता ना चले। गुप्त रूप से किया गया दान ही महादान कहलाता है। अगर उस किन्नर को 10 लाख रुपए भगवान शंकर को, भोले बाबा को अर्पण करना था तो वो
गुप्त रूप से जाकर दान पेटी में दे देती या वहाँ की जो समिति है वहाँ पर जाकर फंड में उन रुपयों को अपने नाम से जमा करवा देती। लेकिन देखिए, मैंने कहा ना, कलयुगी मनुष्यों की दुर्बुद्धि के कारण आज भक्ति के नाम पर भी कलंक लग जा रहा है और लोग भगवान के साथ भी खिलवाड़ करने में और अपने आप को सोशल मीडिया पर दिखलाने में ज़रा भी कोताही नहीं करते हैं। अब ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इस भक्ति को क्या नाम देंगे। क्या ये भक्त की भक्ति है? क्या ये भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करने का न्यायपूर्ण तरीका है या सिर्फ ये लोक दिखावा है? अगर इस प्रकार कलयुग में लोग अपने ही ढोंगी भक्ति के नाम पर अपने ही को खुद ही विनाश की चादर ओढ़ाना चाहते हैं तो कल की देव भी ऐसे भक्तों की रक्षा नहीं कर सकते जो भक्ति की आड़ में कुछ ऐसे कर्मकांड करेंगे जो उनको ही ले डूबेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।